कृष्ण जन्माष्टमी पर हम बनाएंगे घिया की बर्फी, नारियल पाक और खोया की बर्फी। इन्हें बनाना काफी आसान होता है और खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। और वैसे ये तीनों बर्फियां हमेशा बनाई जाती हैं जन्माष्टमी पर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ रिया, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यस फूड बास्केट में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं ये बर्फियां। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर नारियल पाक। नारियल पाक के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें एक छोटी कटोरी हमने पानी डाल दिया है और एक पाव हमने चीनी ली है। चीनी को कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी तैयार करनी है नारियल पाक के लिए। इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए चीनी तो हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब इसकी हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। ये देखिए चाशनी भी हमारी बनके तैयार हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं, एक कटोरी में हमने पानी लिया है और थोड़ी सी चाशनी हमने देखिए एक कटोरी में डाली है। ये चारों तरफ फैली नहीं है, बिल्कुल भी जम गई है ये, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप उंगली की सहायता से भी इसको चेक कर सकते हैं, एक तार आना चाहिए उसमें चाशनी में। और हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम कॉर्न, 100 ग्राम मखाने और 100 ग्राम खरबूजे की गिरी। इन सभी को हमने यहाँ पर देसी घी में पहले भून लिया था और फिर इनको हल्का हल्का हमने यहाँ पर दरदरा पीस लिया है। आप चाहिए तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको पीसा है। और इसमें अब डालेंगे हम एक नारियल जो हमने पहले ही कद्दूकस कर लिया था, और इसको भी हल्का सा घी में हमने पहले फ्राई कर लिया है। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है नारियल को, बस हल्का हल्का ही भूनना है आपको घी में ये। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए अब इसे हम थाल में निकाल लेंगे और अब बनाएंगे हम यहाँ पर घिया की बर्फी। घिया की बर्फी के लिए हमने यहाँ 1 चम्मच देसी घी लिया है। और यहाँ पर हमने 1.5 किलो घिया लिया था जिसको हमने कुकर में पहले ही इसको उबाल लिया है। यहाँ पर 2 सीटियां दी थी मैंने पहले, और 2 सीटियों में ही मैंने इस घिया को उबाला है। उसके बाद मैंने पानी से इस घिया को निकाल लिया है और इसको अब कढ़ाई में डाल देंगे। आप अगर दूध में बना रहे हैं तो फिर उबालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसे दूध में ही पका लें। लेकिन मैं यहाँ दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पहले इसको उबाल लिया था। और इस घिया को अब हम यहाँ पर भून लेंगे हल्का। चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई में नीचे से लगे नहीं। ये देखिए भून चुका है ये। और अब हमने चाशनी एक तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर आधा ग्लास पानी लिया है, और इसमें अब हम जो चीनी डालेंगे वो डालेंगे 200 ग्राम। और इसको भी हम एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से हमने नारियल पाक के लिए चाशनी तैयार करी थी उसी तरीके से बनानी है। और इसमें डाल देंगे अब ये घिया। इसमें डालेंगे हम यहाँ पर खोया। खोया हमने यहाँ पर ये 300 ग्राम खोया लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और फैंसी खाने में काफी टेस्टी लगती है ये घिया की बर्फी, आप जरूर बनाइएगा। इसमें वैसे कलर लाने के लिए इसमें फूड कलर भी डाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये व्रत के लिए बनाए जा रहे हैं।
और इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच, हमने यहाँ पर इलायची का पाउडर लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हल्का सा चलाते रहेंगे और इसको एक थाल में निकाल लेंगे। और अब हम बनाएंगे खोए की बर्फी के लिए चाशनी, जिस तरीके से हमने ये चाशनी तैयार करी थी। ये देखिए हमने पहले चाशनी तैयार कर ली थी और उसमें हमने खोया डाल दिया था। खोया हमने यहाँ पर जो डाला है वो 200 ग्राम डाला है जो खोए की बर्फी के लिए, और 100 ग्राम हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करा है। मैंने पहले का प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि प्रोसेस सेम ही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने वो आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखाया। ये देखिए इसे अच्छे से पकाना है और इसमें हम गैस को तो यहाँ पर अब बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और इसमें अब हम इलायची का पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ आधा छोटी चम्मच यहाँ पर इलायची का पाउडर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस यहाँ पर हमने बंद करके ही रखी है। देखिए हमने थाल में निकाल लिया है और निशान लगा दिया है कटिंग के, हमने यहाँ पर ये, और इनको जमने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर ये नारियल पाक थी, पहले खोए की बर्फी थी और काफी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप जरूर बनाइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।